हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स को, जितने भी इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और प्रीवियस भी मिला के उनको हम देखेंगे। कुछ स्टैटिक जीके भी इसमें होंगे और इसके सभी भी हम ऑनलाइन में डिटेल फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे विदेश मंत्री ने किया। यह जो है शंघाई सहयोग संगठन का 21वीं बैठक थी, ये हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित का प्रारंभ किया गया, हरित किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया? तो आयकर डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। और हरित का जो प्रारंभ है, ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसके मौके पर इसको किया गया है। हरित का फुल फॉर्म क्या है? हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट है, पुडुचेरी राज्य का मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसको फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी 1954 में जन्म संग्रह के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, जन्म संग्रह के माध्यम से जो पुडुचेरी है वो भारत में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा अपना स्थापना दिवस पिरावी दिवस के रूप में मनाता है? पिरावी दिवस तो वो केरल का स्थापना दिवस है 1 नवंबर को। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन वो अम्मान जॉर्डन में किया गया। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व लोलिना बोरगोहान और शिवा थापा ने किया। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज से है, वार एक्सरसाइज, तो गरुड़ अभ्यास का आयोजन किया गया 26 अक्टूबर को, तो ये जोधपुर में किया गया। और गरुड़ किसके साथ किया जाता है? तो फ्रांसीसी वायुसेना के साथ किया जाता है। गरुड़ वरुण ये सब फ्रांसीसी वायुसेना के साथ में है। नेक्स्ट है, 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो वो स्पेन ने जीता कोलंबिया को हरा कर। मेज़बानी जो है ये 7वें फीफा विश्व कप की, महिला विश्व कप की, वो भारत ने की थी भुवनेश्वर गोवा और मुंबई में। और इसका जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया इस टूर्नामेंट का? तो विक्की लोजेब स्पेन की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं विक्की से, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप की शुभंकर क्या थी? तो इभा थी इसकी शुभंकर। नेक्स्ट है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय जल सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? 1 से 5 नवंबर, जो पहला सप्ताह है नवंबर का वो जल सप्ताह है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस सेंटर का नाम योटा डीवन, अगर कोई पूछ ले योटा डीवन क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण का प्रारंभ हुआ, ये दूसरा चरण कहाँ पे ये आयोजित किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया, नौसेना कमांडर का सम्मेलन है ये। अगला है, भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र किसको प्राप्त हुआ? तो टाटा स्टील्स को ये मिला है। 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन CANSO इसका सम्मेलन कहाँ किया गया? तो इसका सम्मेलन किया गया है हमारे गोवा में। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, इसका थीम क्या है? लिवरिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। नेक्स्ट है, पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत आसियान स्टार्टअप, तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया 27 से 30 अक्टूबर के बीच। और इस महोत्सव का आयोजन किसने किया, किसके द्वारा किया गया? इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, फीफा और SIFF ने फुटबॉल फॉर स्कूल, ये नेम है इनकी जो भी स्कीम चालू कर रहे हैं, पहल के कार्यान्वयन के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ही करेगी, इसकी बढ़ावा देगी। फीफा का स्थापना जो है वो 1904 में और मुख्यालय ज्यूरिख में है। नेक्स्ट है,
हाल ही में लुइस इनालिसियो लुला डा सिल्वा, लुइस इनालिसियो डूडा सा सिल्वा को किस देश का राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और इनके पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? जायर बोल्सोनारो। ब्राज़ील का जो स्थापना है वो ब्रासिलिया से हुआ था, ब्रासिलिया का विभाजन करके। और इसका मुद्रा क्या है? वो ब्राज़ीलियाई रियाल है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपी से संबंधित। हाल ही में खबरों में रहा काला नमक, वो क्या है? तो ये एक चावल है और इसको यूपी में जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसकी दो किस्में कौन कौन सी हैं? पूसा नरेंद्र काला नमक और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। देखिए आगे क्वेश्चन में कि ये हमारे यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व बचत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का विषय उसके लिए क्या है? बचत आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयारी करती है। बिल्कुल सही है, बचत आपके जो है बेहतर भविष्य के लिए तैयारी करती है। होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई जाती है? तो 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। और ये हमारे कौन थे? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। नेक्स्ट है अभी वरुण आया था, देखिए अब गरुड़ भी आ गया। अभी हमने आपको बताया था गरुड़ भी क्या है, वो भारत और फ्रांस के बीच में है। और गरुड़ क्या है? वो भगवान विष्णु की सवारी है। तो ये नौसेना द्वारा किया जाता है। और वरुण वरुण वायु से संबंधित है तो वो वायुसेना द्वारा किया जाता है। गरुड़ अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया, जोधपुर में, और ये इसका 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों में से संबंधित सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ये आयोजन किसके द्वारा था? स्वयं सहायता समूह की जो महिला उद्यमी हैं उनके द्वारा था। सरस फूड फेस्टिवल नाम था इसका। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। या किस मिशन के तहत किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में स्वास्थ्य बीमा पैड बढ़ाने के लिए किसके अध्यक्षता में सलाहकार समिति को गठन किया गया? तो राकेश जोशी इसके अध्यक्ष थे, जिसमें स्वास्थ्य जो है वो बीमा बढ़ाई जाए। सलाहकार समिति में इसके कितने सदस्य हैं? तो 15 हैं। और इस समिति का गठन किसने किया? तो भारत बीमा नियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट है विश्व एकता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था 31 अक्टूबर को। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी बनी हुई है, सरदार पटेल जी की। और ये कहाँ है? केवड़िया गुजरात में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में गोवा समुद्री गोष्ठी GMS का आयोजन किया गया, गोवा में ही किया गया। इसका आयोजन नौसेना युद्ध कॉलेज, ठीक है, और ये इसका 4था संस्करण था। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहे पसुमपोन मथुरा मलिंग थेवर, ये कौन थे? पसुमपोन मथुरा सिंह थेवर ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है हाल ही में माधवगढ़ धाम गौरव गाथा कार्यक्रम ये कहाँ आयोजित किया गया? माधवगढ़ धाम ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है हाल ही में त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री अभ्यास डार एस सलाम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तंजानिया में किया गया। ये एक त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, और इसमें भारत मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल होते हैं। नेक्स्ट है डार एस सलाम, ध्यान रखिए कि डार एस सलाम त्रिपक्षीय है, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया का अभ्यास है। ये इसका पहली बार आयोजन किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा डारियस सलाम। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किस सेना ने किया? तो INS तरकस इसमें शामिल हुआ था। राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12वीं दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन और सम्मेलन, जिसे हम इंडिया फेम केम कहते हैं, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट है भारत ने भारत जल सप्ताह 2022 का उद्घाटन किस तिथि को किया है? भारत जल सप्ताह
जल सप्ताह 1 नवंबर से 6 नवंबर को मनाया जाता है और उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये इसका 7वां संस्करण है। अभी अभी हमने इसको पढ़ा कि मानगढ़ धाम कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये रायपुर में किया गया, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है इस महोत्सव का आयोजन 1 से 3 नवंबर के बीच, और ये इस महोत्सव का 3रा संस्करण था। नेक्स्ट है भारत में उद्यान विज्ञान मूल्य श्रृंखला का विस्तार कार्यक्रम जो है, इसका कहाँ आयोजन किया गया, तो पूरे महाराष्ट्र में 3 दिवसीय ये आयोजन था। 3 दिवसीय नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्थान, इसका सम्मेलन गोवा में किया गया। नए रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो गिरधर अरमाने जो हैं वो हमारे नए रक्षा सचिव बने हैं, ध्यान रखिएगा, नई नियुक्ति है। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के काउंटर आतंकवाद समिति के दो दिवसीय जो बैठक है वो दिल्ली और मुंबई में आयोजित की गई, इसमें FATF के भी सदस्य शामिल थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है Under-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, तो वो स्पेन ने जीता और इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। टूर्नामेंट का उपविजेता कोलंबिया को हरा के उन्होंने जीता है। फाइनल का मुकाबला कहाँ पे हुआ था, तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, और ये इसका 7वां संस्करण था। आपको हमारी क्लास कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कोशिश करेंगे इससे भी बेटर क्लास आगे से उपलब्ध कराएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।